नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस जो हम पेड क्विज देख रहे हैं 2024 वाली, उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली हमारा नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप अभी से ही हमारे ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं पूरी एक इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेके हमारे साथ जुड़ें। और यहाँ पे सारे इनिशिएटिव आपको टू द पॉइंट जितनी ज़रूरत है वो सब आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है, तो दो प्रकार के अम्लों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक। तो जैसे इनऑर्गेनिक में क्या है कि इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन और ये नॉन मेटालिक एलिमेंट जो कुछ होते हैं और उनके ग्रुप्स उससे एसोसिएटेड होते हैं। तो अब उसके एग्जांपल अगर हम देख लें तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड है ना, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल हैं। पूछा इसमें ऑर्गेनिक किया था तो ये सिट्रिक हो जाएगा, ठीक है, सिट्रिक। इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड है ना, यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है ना, ये सब। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे, तो तेलुगु स्कॉलर होते थे बेसिकली आठ ये, ठीक है, और ये एसोसिएटेड थे किससे, कृष्णदेव राय से, विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, आप इनको जानते होंगे 1509 से लेकर के 1529 तक इनका जो शासनकाल रहा। भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, दोनों का डिस्टिंक्शन ध्यान रखा करिए। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 सदस्यों की एक समिति है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीतियां बनाते हैं। मौद्रिक नीति में जैसे आपके ये रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट क्या होंगे, बैंक रेट क्या होंगे, इन सब से संबंधित जो विषय हैं इसमें कवर किए जाते हैं। उसी के विपरीत फिस्कल पॉलिसी जो है ये भारत सरकार है ना, इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उनके अंतर्गत बनती है। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है, मोका कॉफी जहाँ उगाई जाती है वह इसमें से कौन सा देश है, ठीक है, तो बेसिकली यमन जो है देखते हैं मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ की एक प्रकार की ये पोर्ट सिटी थी मोका, सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मोका टाइप ऑफ कॉफी जो है कल्टीवेट की गई या पाई गई कह लीजिए। एक जो हम अरेबिका कॉफ़ी पढ़ते हैं ना, तो उसी का ही प्रकार है। और मोका को जो है एक जितनी भी हमारी ये हैं कॉफ़ी किंगडम उसका क्वीन कहा जाता है, काफ़ी एक फाइन टाइप ऑफ कॉफ़ी होती है, ठीक, तो यमन को ध्यान रखेंगे। सेलेबीस सागर कहाँ पर स्थित है, तो इधर देखेंगे आप बोर्नियो और ये जो मलेशिया वगैरह वाला रीजन है ना, यहाँ पर इसकी स्थिति है, तो साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा। मैप में लोकेट के लिए इसको कीजिए। कालीमंतन किस द्वीप का अंग है यानी कि पार्ट है, तो ये जो है इसमें बोर्नियो, ठीक। हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड समाचार एंकर जिसका नाम है लीसा लॉन्च किया गया है, तो किसने लॉन्च किया है इसको, ध्यान रखेंगे एआई बेस्ड जो है एक न्यूज़ एंकर है लीसा, और इसको ओडिशा टीवी जो है एक रीजनल न्यूज़ टीवी चैनल है, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है, तो ये है आपका 15 जुलाई, और इसमें वो थीम हो सके तो ध्यान रखेंगे स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, ठीक। हाल ही में किस संस्था ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 जीता है, इकोनॉमिक टाइम्स को आप जानते होंगे, तो यहाँ पे उन्हीं की एक अवार्ड कैटेगरी है HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड, तो ये मिला है इनको NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन।
हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप जो ये मेंस टी ये वर्ल्ड कप है 50 ओवर वाला 2023 का इंडिया में होना है और ये अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में। तो इसमें ये ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं शाहरुख खान। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, यह किस जिले में स्थित है? तो ये जो है हमारे ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था। तो ये बेसिकली टाइगर रिजर्व जो रानीपुर बनाया जा रहा है ये यहाँ पे है चित्रकूट में, ठीक है। आप जरा हमको ये बताएं कि अन्य तीन हमारे टाइगर रिजर्व्स उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? 22 से 24 जुलाई 2023 को दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो है ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये ध्यान रखेंगे वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है 22 से 24 जुलाई के मध्य, और इसमें लगभग विश्व भर के जो करीब 450 से ज़्यादा फेमस श्राइन बोर्ड्स हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव जो कि हिंदू सिख बुद्ध और जैन धर्मों से संबंधित हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है यूएई में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत कितने गोल्ड जीत करके शीर्ष स्थान पर रहा था? तो इसमें शायद हमने पिछले वीडियो में भी ये मैथमेटिक्स वाले ओलंपियाड की बात की थी, तो यहाँ पे बायोलॉजी के ओलंपियाड की बात की गई है जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ है पहले ये ध्यान रखेंगे, तो यूएई में। और इसमें जो है ये आपका गोल्ड मेडल्स की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम ने जो जीते हैं कुल 4, विकल्प ए। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं के द्वारा लड़ा गया था? तो सिटी ऑफ कन्नौज में देखेंगे ये मध्यकालीन इतिहास के टाइम पीरियड में होता था क्या, मतलब कि एक सॉवरेनिटी का प्रतीक थी ये सिटी और ये गैंगेटिक प्लेन्स जो थे काफ़ी फर्टाइल थे, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए लगातार संघर्ष कई लोगों में जारी रहा। उसी क्रम में से जो त्रिपक्षीय संघर्ष काफ़ी फेमस है तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, बी विकल्प में। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये राजपूत जो रूलर थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में, ठीक है। इनकी यहाँ पे चौहान जी की जो है विजय हुई इसमें। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जिसको चतुर्भुज मंदिर की संज्ञा भी दी गई है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है यशोवर्मन है ना, चंदेल डायनेस्टी से संबंधित जो थे अराउंड 1100 के आसपास करवाया गया, ऑप्शन बी। भास्कर नामक राजा के द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का वर्णन हर्षचरित में मिलता है और भास्कर किससे संबंधित थे ये बताना है। तो देखिए इसमें आपका हर्षवर्धन की बायोग्राफी है हर्षचरित और इसके लेखक भी हमने आपको पहले बता रखे हैं कौन थे, बाणभट्ट, ठीक। तो इस पुस्तक संस्कृत की पुस्तक थी बेसिकली, तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक भास्कर नामक राजा ने हर्षवर्धन को कई सारे उपहार जो है भेजे हैं। तो बेसिकली जो ये भास्कर नामक किंग थे ये वर्मन डायनेस्टी से संबंधित थे और ये कहाँ पे मतलब किस रीजन में थी उस समय पे देखेंगे तो वर्तमान का जो हमारा असम का राज्य है, ठीक है, वहाँ की डायनेस्टी थी। तो ध्यान रखना है इनको, विकल्प बी। काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन इसमें से कौन सा था? तो देखेंगे काकतीय टाइम पीरियड में फेमस एक जो ट्रेडिंग सी पोर्ट है इसका नाम था ये मोतुपल्ली, विकल्प बी, ठीक है। काकतीय से संबंधित एक फेमस ट्रैवलर है मार्को पोलो, इसने कई सारे जो है अकाउंट्स दिए हैं कि जो ये मतलब पोर्ट से ट्रेड वगैरह होता था और उस समय की जो प्रॉस्पेरिटी थी ये आंध्र देश में, ठीक है, तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तुलकापियम या तुलकियम, ऐसे कई बार अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है इसको, तो इसकी रचना किस संगम में हुई थी? तो संगम टर्म बेसिकली यहाँ पे समझने की ज़रूरत है पहले आपको, ये हमने पहले ही बताया है कि ये एक प्रकार की असेंबली होती थी है ना, सभा तमिल पोइट्स की, जहाँ पे कई सारे डेलिब्रेशंस और रचनाएँ हुई, ठीक। तो पांडियन किंग्स के पैटर्नेज में जो है ये संगम आयोजित किए गए 3, ठीक। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में इसको पढ़िएगा आप। तो उसी में से एक जो ये है आपका ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर टेक्स्ट है तुलकापियम, ठीक है। तो इसकी रचना जो है सेकंड संगम में हुई, वो ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे। और ये आपका
इसके कंपाइलर की बात अगर पूछी जाए तो तुलक कापियार करके एक नाम था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बी को चुनते हैं। यहाँ पे तीनों संगम को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट है संगम काल के संदर्भ में दो हमारे पास लिस्टिंग है, इसको सुमेलित करना है। देखिए टेलीग्राम के कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, तो इनको मतलब प्रॉपर रूप से कई बार इस तरह की चीज़ों को डिस्प्ले कर पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा आप खुद से भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ए के आगे वन लिखा है, बी के आगे टू लिखा है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शंस हैं तो ये समझ लीजिए कि ये ए बी सी डी ऐसे नीचे नीचे करके आप समझिएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी वाला, है ना। ए को वन से मिलाएंगे, बी को थ्री से मिलाएंगे, इस प्रकार से मिला लीजिएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट है, सही को चुनना है। सही पूछा गया है या गलत प्लीज बहुत ध्यान से दिखा करिएगा। तो ये साउदर्न इंडिया के हमारे जो डायनेस्टीज रही, चेर शासकों और चोल के बारे में बात की गई है। तो इन चेर शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था और चोल शासकों का राजकीय चिन्ह धनुष बाण था, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, ये आपस में इंटरचेंज किया गया है। इसमें डी को चुनेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है शिल्पादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है, यानी कि किस नदी के बारे में इसमें कह लीजिए इसको मेंशन किया गया है कुछ चीज़ों के बारे में। तो 5th century के टाइम पीरियड का एक तमिल रचना है हमारा शिल्पादिकारम, उसमें कावेरी नदी के बारे में जो है मेंशनिंग की गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तंभ में बने चार पशुओं के नाम क्या क्या हैं। तो वाराणसी के बगल सारनाथ में है ना ये स्तंभ के बारे में आप डिटेल में जानते हैं, उतना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अशोका के द्वारा इसको बनवाया गया। फिर आप इसमें देखते हैं क्या क्या आकृतियाँ, इसको सर्च करके जो देखेंगे हमारा आज की डेट में जो नेशनल एम्ब्लेम भी है, तो इसमें मिलता क्या क्या है, बैल, हाथी, ये घोड़ा और शेर, ठीक है। एक बार इसकी इमेज सर्च करके देखिएगा। इसमें देखिए चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस देखिए ऐसे समझ में नहीं आते हैं आपको, थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा करिए तो वहाँ से पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसमें देखिए ये बिंबिसार की अगर हम बात करें, विकल्प बी, ठीक है, हरियंक डायनेस्टी में आप इनको पढ़ते हैं। तो बेसिकली इनके शासनकाल में तो इसके अवंती के रूलर थे जो है चंड प्रद्योत, तो एक बार इनको जो है जॉइंडिस हो गया था, पीलिया, ठीक है। तो उसी में उनके इलाज के लिए अपने जो इनके फिजिशियन थे कोर्ट के, जीवक, इनको भेजा था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे थोड़ा डिटेल में चीज़ें मिलती हैं, तो जब अपने नोट्स वगैरह में पढ़िएगा तो वहाँ पे इन चीज़ों को भी देखिएगा। दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है देखते हैं। एक राठ की उपाधि महापद्म नंद ने धारण की थी। तो नंद डायनेस्टी में महापद्म नंद के बारे में आप देखते हैं कि शक्तिशाली एक मतलब सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली जो शासक रहे उनमें इनका नाम आता है। और तो ये वाली बात तो ठीक है कि इन्होंने जो है एक राठ की उपाधि धारण की थी। और दूसरा है निर्याकस सिकंदर का थल सेनापति था। तो ये सिकंदर का इन्वेजन आप देखते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध वगैरह पढ़ेंगे, तो उसी में से ये बेसिकली सेनापति तो था निर्याकस सिकंदर का, लेकिन ये नेवल जो आर्मी थी कह लीजिए उसका था, है ना, थल सेना का नहीं था। तो इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला ठीक है। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, दो हमारे पास लिस्टिंग्स हैं, शासक का नाम कुछ फेमस लिखा है और किस इससे डायनेस्टी से संबंधित रहे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के हिसाब से इसको मैच कर लीजिएगा और इन शासकों के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है दिसंबर 1885 में, ठीक है, बॉम्बे में। यहाँ पे जैसे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते होंगे कि इसमें कुल 72 डेलीगेट्स जो है वो शामिल हुए। एओ ह्यूम की जो कह लीजिए नाम आप पढ़ते होंगे स्थापना में इनके, ठीक। तो अब इस 72 में कौन शामिल नहीं था कुल मिला के ये बात पूछी गई है। तो इसमें जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी डी ऑप्शन में ये इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो प्रोड्यूसर गैस बेसिकली एक प्रकार का आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्यूल गैस है ना, एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है और इसका जो कह लीजिए ऑप्टेन करने का प्रोसेस है तो इससे है ना कोल जैसे मटेरियल से प्राप्त किया जाता है। तो अब यहाँ पे बात करें तो इसमें होता क्या क्या है, तो जैसे मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है, और छोटी छोटी मात्रा में कुछ जैसे ये मीथेन, हाइड्रोजन, है ना, ये चीज़ें भी इसमें होती हैं। तो ध्यान रखेंगे सी विकल्प को चुनेंगे और जो है चीपेस्ट एक गैसियस फ्यूल के रूप में जो है कई बार इसको यूज़ किया जाता है।
अब नेक्स्ट है कोयला गैस किसका मिश्रण है, कोल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हम देख रहे हैं ये टाइप ऑफ फ्यूल्स के रूप में यूज होते हैं कई बार। अब कोल गैस में देखेंगे तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन है ना, और कुछ अन्य छोटी छोटी मात्रा में जो ऐसे मतलब वो उतना पूछा नहीं जाता, खैर वैसे उसको ध्यान भी मत दीजिएगा। मुख्य रूप से मीथेन, CH4, H2 और CO, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे आपका ये हो गया ऑयल गैस, सिन गैस, ठीक है, ये सभी थोड़ा इनके बारे में पढ़िए। अब इसमें कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, हमारे पास कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो लिखा हुआ है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क, ये वाला गलत है, ये बेसिकली हमारा यहाँ पे है रोम इटली में। ठीक है, बाकी के विकल्प देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ उद्योग हैं, स्थान है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारे विश्व के कुछ फेमस स्थल हैं तो उसी में से डिट्रॉयट जो है ना, ये US का स्टेट ऑफ मिशिगन जो है ना उसका पार्ट है, और बहुत ही पॉपुलर सिटी है ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक, कॉटन टेक्सटाइल गलत लिखा हुआ था, बाकी के विकल्प देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, तो उसमें कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, दो बार हो गया है, कोई नहीं, इसको इग्नोर करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो विबिग्योर के हम जो कलर्स देखते हैं उसी के रेफरेंस में बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्व किया जाने वाला जो ये आपका लाइट है रेड लाइट होती है, ठीक है, वेवलेंथ के रेफरेंस में, और सबसे जो लीस्ट इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस में वो कौन सा कलर होगा, ग्रीन। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन से अफगान मूल के थे, तो वर्तमान अफगानिस्तान का जो रीजन देखते हैं यहाँ से संबंधित ओरिजिन था लोदी डायनेस्टी के जो शासक रहे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है, तो कुल मिला के आगरा सिटी के फाउंडेशन की बात पूछी गई है, तो ये बेसिकली ये लोदी डायनेस्टी में आप देखेंगे तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी फाउंडेशन की गई और ईयर था 1504। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, तो एक मेथड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कराने या उसमें जो है चेंज करने की कैपेसिटी डेवलप करें, तो इलेक्ट्रिक मोटर ये काम करती है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री जीवी मावलंकर, तो इनका कार्यकाल बताना है, तो जैसे पहले आम चुनाव के बाद से हम अगर देखें तो 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो है ये अयंगर साहब आते हैं, तो ठीक है दूसरे नंबर के हो गए 62 के अराउंड तक, फिर हुकुम सिंह, ऐसे पूरा क्रम है। और वर्तमान में कौन है लोकसभा का स्पीकर, ओम बिरला, ठीक है 2019 से। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ लिखा है जीवाणु की खोज वाटसन ने की थी, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें जो है ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आता है 1670 के आसपास, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की जो है डिस्कवरी की थी, बाकी के विकल्प ठीक हैं। देखिए हिंदू जो पुराण हैं, जो हम पुराण शास्त्र वगैरह सब देखते हैं, तो इनका अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो ये है अल बरूनी, ऑप्शन डी। आप जरा ये बताएं ये किसके साथ इंडिया आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ये बताना है, तो जैसे चिश्ती सिलसिला और या फिर सूफी संत्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसी में से इनका प्रमुख नाम आता है, और इनके गुरु का नाम था ख्वाजा हारून, या पूरा नाम की बात करें तो ख्वाजा उस्मान हारूनी करके नाम था। ठीक है, इसमें देखिए कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, तो देखेंगे गंधार स्टाइल जो है बुद्धिस्ट आर्ट से संबंधित जो आप पढ़ते हैं, तो ये मिश्रण है किसका, इंडियन ग्रीक है ना, कुछ पर्शियन सीरियन, इन सब टाइप्स ऑफ आर्ट्स का एक मतलब मिश्रण है, ऑप्शन जो है दो बार यहाँ लिखा है, कोई बात नहीं, आप गांधार को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान देना ज़रूरी है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था, तो 16 महाजनपद की जब आप डिटेल पढ़ते हैं तो उसी में से गोदावरी और ये नर्मदा रिवर के अलॉन्ग जो है ये अश्मक या अस्सक जो हमारा महाजनपद है इसकी लोकेशन, देखिए 16 महाजनपद जितने भी हैं प्लीज़ उनको मैप में एक बार लोकेट कीजिएगा, तो कई बार वो आपको याद आएगा मैप, तो आप उससे कई चीज़ों को सही कर सकते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो जो प्रोविंशियल लेवल पर डायर्की थी उसको अबॉलिश करके यहाँ पे सेंट्रल लेवल में जो इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो आया था, ठीक है, इसके माध्यम से।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलिथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये बेसिकली जो ये कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिथीन है, तो यहाँ पे एक रेडिकल पॉलीमराइजेशन वाली प्रक्रिया जो होती है उसमें यहाँ पे हम इसको इथेन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि मीना माता रोग का कारण क्या होता है? तो बेसिकली ये जापान वगैरह में कई सारे केसेस पहले देखे गए थे, तो सीवियर मरकरी का पोल्यूशन होता है किसमें, फिशेस में, और ऐसे फिशेस को कंज्यूम किया लोगों ने तो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को डेवलप किया जो कि मिनी माता के रूप में जानी जाती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे मरकरी जो है ये इसमें हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है ट्राइसोमी 21 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो एक डिजीज होती है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली एक क्रोमोजोमल कह लीजिए डिसफंक्शन है जो कि ह्यूमंस के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से संबंधित है, तो इसको यहाँ पे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है, इसमें से यहाँ पे किस प्रिंसिपल के आधार पे? तो आपने देखा होगा जैसे कई बार ये ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के समय है ना स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है, तो हार्ट के जो हम ये देखते हैं ना हार्ट बीट, तो बेसिकली क्या है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, है ना, उसके माध्यम से वो जो साउंड्स होती हैं उसके आधार पे डॉक्टर असेसमेंट करते हैं, ठीक है, पेशेंट की। तो इसमें बी विकल्प हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को फिर समाप्त करते हैं। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देखें, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए, कंटिन्यू करते हैं आगे से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।